नहीं चलेगी। भारत बंद का सिमडेगा में व्यापक असर, बीरू में सड़क जाम, दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतारें। जी हां, किसान आंदोलन में आहूत भारत बंद का सिमडेगा में व्यापक असर है। महागठबंधन सड़कों पर उतरकर सड़क जाम किया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जी हां, केंद्र सरकार के किसान कानूनों के विरोध में पूरे देश भर में विरोध जारी है। सिमडेगा में भी इसका व्यापक असर नजर आया। वहीं जिला अध्यक्ष अनूप केसरी की अगुवाई में जिला कांग्रेस कमेटी बीरू में सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया गया, जिससे सड़कों के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। लगभग पिछले 10 महीनों से चल रहे इस विरोध में जब केंद्र सरकार ने अपने फैसले को अभी तक नहीं बदला, तब किसान नेता ने आज 10 घंटे के विरोध के लिए आह्वान किया है। आपको बता दें कि आज ही के दिन पिछले साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कानून पर मोहर लगाई थी। इसी के मद्देनजर किसानों ने आज के दिन 10 घंटे के बंद का फैसला लिया। वहीं सिमडेगा के बीरू में महागठबंधन सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया गया। आपको बता दें, सड़क जाम होने से पटना से आने वाली यात्री बस सहित कई गाड़ियां भी इस जाम में फंसी रही। स्कूल वाहन तक जाम में फंसे रहे, लोगों को काफी दिक्कतें हुई। वहीं पटना से आ रहे यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं यहाँ प्रशासन या पुलिस महकमे के कोई पदाधिकारी भी नजर नहीं आए, जो शायद इन परेशान लोगों की मदद कर सकते। किसानों के विरोध में जो काला कानून बना है, हम यहाँ झारखंड के गठबंधन में रहकर उस कानून को वापस लेने के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को दबाव डाल रहे हैं। और उस दबाव में हम सभी दुकानदारों और व्यवसायियों सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो हमें सहयोग करें और सरकार को दबाव डालें कि जो किसानों के हित में जो कानून बना है उसको वापस करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। अखंड भारत न्यूज के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा।